नमस्कार। देखिए एक्सरसाइज 7.4 इसमें क्वेश्चंस कह रहा है कि इंटीग्रेट द फंक्शंस इन एक्सरसाइजेस 1 to 23। 1 से लेकर के 23 तक जितने भी क्वेश्चंस है सभी को हमें इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने के लिए जो सबसे स्टार्टिंग क्वेश्चंस है, फर्स्ट से लेकर के इसके जितने भी 23 तक क्वेश्चंस है सभी को सॉल्व करने के लिए हमें जो हमने ये 9 सिस्टर्स फॉर्मूले याद किए हैं, इन 9 में से स्टार्टिंग से 6 तक के जितने भी फॉर्मूले हैं वो सभी इसमें अप्लीकेबल है। और जो आखिरी के 3 बड़ी बहनें हैं वो 7.7 में यूज की जाएंगी। तो हमें इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए ये 6 फॉर्मूले याद करने रहेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आइडेंटिटी जो हमने याद की है उसको अप्लाई करने के लिए इसको पहले हम उसके जैसा या उसके लायक बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, आप देखिए इसमें लिखा हुआ है 3x² / x^6+1। तो इसमें यदि हम आइडेंटिटी लगाने का सोचे तो शायद अभी नहीं लग पाएगी, थोड़ा सा इसमें काम करना है, छोटा सा एक काम करना है इसको इंटीग्रेट करने के लिए। इधर हम इसको ऐसा बना सकते हैं, ये लिखा रहेगा 3x², इसको x^6 को हम ऐसा बना सकते हैं जिससे ये हट जाएगा। कैसे, इसको लिख सकते हैं x³² + 1dx। अब x³² करेंगे तो x^6 ही आएगा, वही है, बस दिख रहा है क्या कि हम इस x³ को t सपोज कर सकते हैं। लिखेंगे यहाँ पर पुट x³ = t। अब x³ को हमने t रखा है तो इस x³ को डेरिवेटिव डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो मिलेगा 3x² इधर dx = dt। ये 3x² dx जो यहाँ लिखा 3x² dx ये dt बन जाएगा, इसके प्लेस में t आ जाएगा। तो क्वेश्चंस चेंज हो करके बनेगा, इधर ये पूरा हट करके dt बनेगा तो ऊपर 1 और नीचे जो लिखा हुआ है x³ इसके प्लेस में t आ जाएगा। इसमें लगा है स्क्वायर तो यहाँ पे भी स्क्वायर लगेगा, प्लस का 1 इधर, प्लस का 1 इधर, dt आएगा, dt ये बनाया है इधर ऐसा। अब इसका इंटीग्रेट करने के लिए हमें याद आ रहा है कि इसमें आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, इसमें आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, बहुत ही सिंपल सी आइडेंटिटी लिख देते हैं उसको। सिंस इसके बारे में हम जानते हैं कि यहाँ यूज होने वाला है 1/1 + x² का इंटेग्रल, इसका इंटेग्रल वैल्यू याद है हमें tan−1x + c। तो इसका जब आप इसमें यूज करेंगे तो ये बनेगा i = tan−1x के प्लेस में t है तो t आ जाएगा, प्लस का c लिखा जाएगा। अब इस आंसर को क्लियर करने के लिए t के प्लेस में x³ लिख देंगे तो इधर आ जाएगा tan−1, इधर इसके प्लेस में x³ प्लस का c, यह इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन भी सिंपल सा है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड है वो लिखा है 1/√(1+4x²)। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए देखिए यहां पर हम इसमें पहले फॉर्मूले के जैसा, हमें याद है सारे फॉर्मूले, इन सभी 6 फॉर्मूले में से देखेंगे इसमें कौन सा अप्लाई होगा, 1/√(1)। तो 1/√(1) देखिए इसमें 1/√(1), 1/√(1) कौन सा है, ये 3 है। अब इन तीन में से यहां पर रूट के अंदर दोनों प्लस के हैं, देखिए दोनों प्लस वाले कौन से हैं, ये वाला है, तो इसका यूज होगा यहां पर। तो उसके जैसा इसको बनाएंगे, इसके जैसा इसको बनाने के लिए हमें करना क्या है, यहां हम इसको लिख सकते हैं = में इंटीग्रेशन 1/√(1) में रूट में आएगा इधर 1, प्लस में इसको हम 4x² को लिख सकते हैं, 4x² को 2x और इस पूरे का स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई 4, 2 × 4 और x² का x² आ जाएगा। अब इस 2x को यहां से हटा दें तो आइडेंटिटी के जैसा दिख जाएगा ये। तो इसको हटाने के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं पुट 2x = t, 2x = t लिखा तो इसका डेरिवेटिव आएगा 2dx = dt। यहां पर 2 कहीं दिख नहीं रहा है, इस 2 को उधर हटा करके dt के फॉर्म में लिख दें तो इधर आ जाएगा dt के / 2। अब ये
सारी वैल्यू इसमें रिप्लेस कर देंगे तो आई इज इक्वल टू बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स 1/2 dt बनेगा और इधर बनेगा देखिए 1/ में इधर आएगा रूट के अंदर ये 1 रहेगा प्लस में यहाँ पर टी स्क्वायर रहेगा और इधर dx के प्लेस में 1/2 dt आ जाएगा। इसको प्रॉपर एक बार और लिखें अच्छे से तो इज इक्वल टू में 1/2 ये कांस्टेंट वैल्यू को बाहर कर लिया इंटीग्रेशन के अंदर आएगा 1/ में रूट के अंदर 1+t² रूट के अंदर 1+t² dt। अब याद करो याद करते हैं कि ये किसके जैसा है ये 1/√a² + x² के जैसा है तो उसका इंटीग्रल वैल्यू किस में आता है लॉग में आता है बहुत ही सिंपल सा बन चुका है इसका 1/2 लॉग में आएगा। अब लॉग की आइडेंटिटी लॉग में आइडेंटिटी क्या होती है लॉग के अंदर x+√ में जो लिखा है वही तो x मतलब t इधर आएगा t प्लस में रूट के अंदर जो लिखा है वही 1+t² प्लस में c आएगा। इसको फाइनल आंसर देने के लिए यहां पर t के प्लेस में वैल्यू रख देंगे t की वैल्यू 2x तो इधर आएगा लॉग में t के प्लेस में 2x प्लस में रूट के अंदर यहां पर 1+t के प्लेस में 2x और इसका स्क्वायर प्लस में c। इस 2x² को सिंप्लीफाई कर देंगे तो 4x² बन जाएगा मतलब इधर आएगा 1/2 लॉग में यहां पर 2x प्लस इधर आएगा रूट के अंदर 1+4x² दिस इज द x प्लस में c यह इसका आंसर होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर सेकेंड बहुत ही सिंपल सा बस हमें आइडेंटिटी याद रखना है क्वेश्चंस को आइडेंटिटी के जैसा बनाना है और उसको उसमें आइडेंटिटी अप्लाई करना है और आंसर को फाइंड करना है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है यह भी बहुत ही सिंपल सा है क्वेश्चन नंबर सेकंड के जैसा ही है। इसमें लिखा हुआ है 1/ में रूट के अंदर 2 - x² + 1 तो 1/√ में 2 - x² + 1 इसको पहले मैच करेंगे किसके जैसा दिख रहा है ये तो देखो जो हमें 6 आइडेंटिटीज याद है उनमें से जो 1 के √ वाले हैं तो 1 के √ वाले ये 3 है और इन 3 में से दोनों प्लस में तो ये वाली आइडेंटिटी इसमें लगेगी तो उसको उसके जैसा बनाने के लिए इस 2 - x को हटा दें तो 2 - x को हटाएंगे तो इसके लिए लिखेंगे पुट 2 - x = t इसका डेरिवेटिव करेंगे 2 का 0 हो जाएगा -x का -1 आएगा तो माइनस सीधे लिखें सीधे dx लिखें = dt लिखें माइनस यहां पर कहीं है नहीं इस माइनस को हटाएं तो माइनस का dt बन जाएगा। ये क्वेश्चंस चेंज होकर के आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 के अपॉन में यही रहेगा रूट के अंदर इसके प्लेस में आ जाएगा टी और इसमें लगा देंगे स्क्वायर प्लस का 1 और यहां पर आ जाएगा -dt ये माइनस बाहर कर देंगे माइनस बाहर इंटीग्रेशन आएगा यहां पर रूट के अंदर t² + 1 और इधर dt आ जाएगा और इधर 1 को हम 1² भी लिख सकते हैं खुद को समझने के लिए तो यहाँ आइडेंटिटी कौन सी 1/√ में x² + a² तो इसकी आइडेंटिटी इज इक्वल टू में किस में आती है लॉग में आती है तो इसका आ जाएगा i इज इक्वल टू माइनस लॉग के अंदर आएगा क्या x+√ में जो वैल्यू लिखी है तो यहाँ एक्स के प्लेस में टी है तो इधर आएगा t+√ के अंदर जो भी लिखा हुआ है रूट के अंदर ये लिखा हुआ है तो यही आ जाएगा t² + 1 प्लस का c। अब आप इसको आगे थोड़ा सा और अच्छे से सिंप्लीफाई करने के लिए इस t को रिप्लेस कर देंगे तो t को जब रिप्लेस करेंगे किसके द्वारा t की वैल्यू 2 - x यहां पर पुट कर देंगे तो आएगा 2 - x प्लस रूट के अंदर यहां पर 2 - x आ जाएगा तो 2 - x इसमें स्क्वायर लगा है प्लस का 1 आ जाएगा प्लस में सी यह इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन बुक में जो आंसर लिखा हुआ है उसके जैसा मैच नहीं कर रहा हो तो इसमें क्या करना है लॉग के एक प्रोबेबिलिटी लगाना है कि हम जानते हैं लॉग के बारे में कि यदि एन लॉग एम लिखा हो तो यह होता है इज इक्वल टू लॉग में एम की पावर एन तो एन जो मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है यह ऊपर चला गया इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है -1 तो इधर -1 है ये -1 इधर इस वैल्यू के पावर में चला जाएगा तो ये बन जाएगा लॉग में इधर
टू माइनस एक्स प्लस रूट के अंदर टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वन, और इसमें इनवर्स लग जाएगा प्लस का सी। अब यदि इसमें इनवर्स लगा हुआ है, पावर माइनस वन लगा हुआ है, तो इस पावर माइनस वन को हटाने के लिए यहां पर हमें पता है कि यदि ए इनवर्स लिखा होगा तो यह वन बाई ए के बराबर होता है। तो इसके जैसा इसको चेंज कर देंगे तो बन जाएगा लॉग में वन के अपॉन में ये सारी वैल्यू आ जाएगी, टू माइनस एक्स प्लस रूट के अंदर टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वन प्लस का सी। यह आंसर जो बुक के जैसा मैच कर रहा है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट हो जाएगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। देखिए क्वेश्चन नंबर जो फोर है यह सेकेंड के जैसा है, इसको भी हम उसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं या फिर इसमें क्या कर सकते हैं, एक अलग तरीका करते हैं। इस एक्स स्क्वायर में से 25 को कॉमन कर रहे हैं, मतलब इसको इसमें हम सब्स्टिट्यूशन से नहीं अप्लाई कर रहे हैं। सेकेंड वाले में सब्स्टिट्यूट करके किया था, इसमें विदाउट सब्स्टिट्यूशन करते हैं। कैसे, देखिए इसको हम सॉल्व करने के लिए लिखेंगे वन के अपॉन में, यहां इन दोनों में से रूट के अंदर इन दोनों में से 25 कॉमन ले रहे हैं, 25 कॉमन ले लिया तो इसके पास क्या बचेगा, 9 अपॉन में 25। इसको इसके साथ इंटू करेंगे तो 9 ही बनेगा, मतलब 9 से 25 कॉमन आ चुका है। इससे 25 बाहर निकाल लेंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर, बचेगा एक्स स्क्वायर और इधर डी एक्स लिखा जाएगा। अब इस पूरे में से इस कॉन्स्टेंट वैल्यू को रूट 25 है, रूट 25 इसको पूरी तरह से बाहर कर लें तो ये आएगा, देखिए 1 के अपॉन में इधर रूट 25 अलग हो जाएगा और रूट के अंदर दूसरी वैल्यू रूट के अंदर यहां पर बचेगा 9 के अपॉन में 25 और माइनस में एक्स स्क्वायर। आ रहा है ना, सिंपल सा है। इस रूट 25 की वैल्यू क्या होती है, 5, तो ये 5 पूरी तरह से बाहर निकाल लो और फिर अंदर जो बचे उसको एक बार और लिखें। इसको हम ए स्क्वायर के जैसा बना लें, इसको लिख सकते हैं 3/5 का होल स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये बन चुका है फॉर्मूले के जैसा जो हमने फॉर्मूले याद किए थे। देखिए इन छह में से ये कौन सा है, 1/√ वाले ये तीन है, तो इन तीनों में से कौन सा इसमें अप्लाई हो रहा है, देखिए 1/√ में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये वाला है, तो इसका यूज करेंगे यहां पर। इसमें आइडेंटिटी कौन सी लग रही है उसको कभी लिख करके दिखा दें तो अच्छी बात है, कि सिंस यहां पर अप्लाई कर रहे हैं 1/√ में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। अब आप ये आइडेंटिटी इसमें लगा दीजिए, यदि हम इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे तो मिलेगा यहाँ पर ये आई के इज इक्वल टू में 1/5 एज इट आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रेट कर चुके हैं, साइन इनवर्स के फॉर्म में आएगा तो साइन इनवर्स एक्स, एक्स मतलब एक्स ही है, ये एक्स ही रहेगा अपॉन में, देखिए ए, ए की वैल्यू यहाँ पर 3/5 है तो इधर इसके नीचे आएगा 3/5 प्लस का सी लिखा जाएगा। इसको एक बार और लिख सकते हैं, कैसे इसको लिख सकते हैं, ये 5 जो सबसे नीचे बैठा हुआ है ये एक्स के साथ मिल जाएगा और बन जाएगा यहाँ पर साइन इनवर्स 5x और डिनोमिनेटर में 3 और प्लस में c, यह इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है यह भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 3x अपॉन में 1 प्लस 2x की पावर 4। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए इसमें हम वर्किंग कैसे करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में किया था। क्वेश्चन नंबर 4 रूट के साथ था, ये विदाउट रूट के साथ है, लेकिन इसका इंटीग्रल या इसको हम इंटीग्रेट सब्स्टिट्यूशन से ही कर पाएंगे। कैसे, यहां पर देखिए कोई सी भी आइडेंटिटी डायरेक्ट अप्लाई नहीं हो रही है और यहां पर यह भी देखिए एक्स की पावर 4 लिखा हुआ है, तो एक्स की पावर 4 को कभी टी लेंगे तो 3x नहीं बनेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर बनाएंगे तो ये x हटेगा। तो इसको हम कैसे अरेंज करेंगे, इसको लिखा जाएगा ये 3x रहेगा ऊपर, इससे पहले इस 2 को बाहर कर लेंगे, अंदर इसके पास बचेगा 1/2 और प्लस इधर से 2 बाहर आ चुका है, इसके पास बचेगा x की पावर 4 dx। इसमें से इस 3/2 को पूरी तरह से बाहर कर लेंगे,
ये 3/2 बाहर आ चुका है, इंटीग्रेशन के अंदर ऊपर x बचेगा और जो नीचे लिखा हुआ है इसको हम इस तरह से बनाएंगे कि इसमें सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर सके, मतलब यहाँ लिख सकते हैं 1/2 प्लस में इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dx। अब इस एक्स स्क्वायर को t लेंगे ना तो एक्स dx हट जाएगा, कैसे, यहाँ लिखेंगे पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, यहाँ 2x नहीं है केवल x है तो इधर बनाएंगे एक्स डी एक्स जो बन करके तैयार होगा 1/2 डी टी। अब ये वैल्यू यहाँ डाल दें तो मिलेगा आई इज इक्वल टू, ये 3/2 लिखा हुआ है इधर 3/2 ही रहेगा, इंटीग्रेशन के अंदर एक्स डी एक्स 1/2 डी टी बन चुका है, इधर देखिए क्या आएगा 1 के अपॉन में 1/2 प्लस इस एक्स स्क्वायर की जगह टी और इसमें स्क्वायर इन टू में इस एक्स और डी एक्स, डी एक्स और एक्स, एक्स और डी एक्स के प्लेस में 1/2 डी टी ऐसा लिखा जाएगा। अब इस 1/2 को बाहर कर ले तो i इज इक्वल टू बनेगा 3/2, उधर से 1/2 आ रहा है तो 1/2 इंटीग्रेशन के अंदर इसको बना ले फॉर्मूले के जैसा, तो फॉर्मूला इसमें कौन सा लगेगा, इन 6 फॉर्मूले में से देखिए कौन सा लग रहा है इसमें, कौन सा 1/1 बिना रूट का, बिना रूट का ये 3 है तो इन बिना रूट वाले में से 3 में से कौन सा जो दोनों प्लस के है, तो दोनों प्लस में इसमें ए स्क्वायर होना चाहिए तो इसको बना सकते हैं 1/2 को, इधर रूट डाल सकते हैं और इसमें स्क्वायर लगा सकते हैं ऐसा, 1/2 के रूट का स्क्वायर यही आएगा और प्लस में टी स्क्वायर डी टी बन जाएगा। ये बन चुका है फॉर्मूले के जैसा, फॉर्मूला इसमें कौन सा लग रहा है, इसमें फॉर्मूला कौन सा लग रहा है उसको यहाँ पर लिख दें कि सिंस इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² प्लस x² dx, इसके इज इक्वल टू में क्या आता है, टेन इनवर्स वाला है तो आएगा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, तो ये आइडेंटिटी यहाँ अप्लाई कर देंगे तो i इज इक्वल टू 3/1 जा इधर तो 3 रहेगा, 2/2 जा 4 रहेगा, इन टू में अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तो 1/a आता है, a के प्लेस में रूट 1/2 है तो रूट 1 को हम केवल 1 लिखें, यहाँ पर रूट 2 लिखें, इधर इसके साथ रहेगा tan inverse x by a मतलब t by a मतलब यही वैल्यू जो यहाँ लिखी हुई है 1/√2 प्लस में c, इसको प्रॉपर लिखें और t के प्लेस में वैल्यू इसके x square लिख दें तो ये बन जाएगा i इज इक्वल टू, ये रूट टू ऊपर चला जाएगा 3√2 बन जाएगा, नीचे 4 रहेगा और इधर tan inverse, इधर देखिए रूट टू ऊपर चला जाएगा और x t के प्लेस में x square आ जाएगा तो इधर बन जाएगा एक्स स्क्वायर रूट टू और प्लस में सी, यह आंसर के जैसा मैच कर रहा हो तो ठीक, यदि नहीं कर रहा हो तो यहां थोड़ा इसको बनाएंगे, इसको हम बना करके लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू, देखिए ये 4 लिखा हुआ है, रूट टू लिखा हुआ है तो इसको हम रूट टू बाई 4 को क्या लिख सकते हैं, तो देखिए आप रूट टू बाय 4 को हम लिख सकते हैं, इसमें रूट टू का इंटू कर दें ऊपर नीचे तो रूट टू के साथ इंटू करेगा 2 बनेगा, 4 का इसके साथ इंटू होगा तो 4√2 आएगा, ये इसको कट कर देगा तो 1/1 क्या जाएगा 2√2, मतलब कहने का इधर जो ये लिखा हुआ है ना ये कैंसिल आउट होकर के बन जाएगा 3/2√2, ये वैल्यू कैसे आई है ये इसमें से हम देख सकते हैं कैसे, यहाँ पर 2 है, ये 2 है और इधर क्या जाएगा, इधर आ जाएगा tan इनवर्स, इसको हम x²√2 लिखें या फिर √2x² लिखें, दोनों सेम ही हैं प्लस का c, ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा। जय हिंद।